क्या हाल है गाइस, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और गाइस, जैसे कि आपको दिख रहा है ये जो प्रोडक्ट है, ये जेब्रोनिक का, मेरे को कुछ नया लगा तो मैं ऑर्डर कर दिया। मैं ऐसे ही फ्लिपकार्ट चेक कर रहा था और ये इसका डिज़ाइन मेरे को बहुत सही लगा तो मैं ऑर्डर किया। अब चलो इसको खोल के देखते हैं कंपनी क्या इसमें पैक करके हम लोग को दे रहा है। लेट्स गो। ये जेब्रोनिक का ब्रांड है और मेरे को ये काफ़ी लुक भी बहुत सही लग रहा है मेरे को देखने में। और अभी मैं इसको थोड़ा पावर देके देखते हैं कैसा बज रहा है, क्या क्या है, कैसा क्वालिटी है। बिल्ड क्वालिटी तो भाई बहुत सही लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है देखने में। देखो गाइस, ये 72 वाट का है और उस हिसाब से मेरे को लग रहा बहुत ज़्यादा लाउड बजेगा। ज़्यादा टाइम खोटी नहीं करके गाइस सीधा बजाते हैं और देखते हैं कैसा क्वालिटी है। ये देखो, ये FM का एंटीना और ये सब का जो वायर है ना गाइस, बहुत अच्छा दिया है, क्वालिटी भी अच्छा लग रहा है और लंबाई में भी बहुत लंबा है। ये है यूज़र मैनुअल, इसको स्कैन करने से मिलेगा। अब ये सेटअप कंप्लीट हो गया गाइस, आप सीधा इसमें पावर देते हैं और बजाते हैं। अखां विचों आवे मैनू, अज मेरे दिल दे नेड़े
तक डीजे गाना नहीं बजता ना तब तक वो फील नहीं आता है, ठीक है। आप बजाते हैं एकदम मस्त डीजे वाला गाना, भाई साहब क्या आवाज है, लाउड भी है, ठीक ठाक लाउड। अब इतना इस प्राइस रेंज में आपको क्या ही मिलेगा, बहुत सही मिला फिर भी जो भी है। और डीजे भाई क्या बज रहा है भाई, पूरा बॉडी पूरा ये जो रूम है ये छोटा रूम के लिए बेस्ट होम थिएटर है गाइस, ठीक है, मेरे को ऐसा लग रहा है। और इसमें इसका जो बैस है ये बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है, ऐसा नहीं कि बैस बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, ऐसा नहीं, लेकिन है ठीक ठाक है। थोड़ा डीजे लगा के देखते हैं, प्लीज हेडफोन यूज करो। इस बॉय एंड क्यूब मुंबई सिटी पता नहीं अच्छे से रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन भाई मैं जो फील कर रहा हूँ ना ये बहुत सही, इतना लाउड और इतना क्लियर आवाज दे रहा है, और बैस एकदम कुछ भी गाना दे रहा हूँ वो अपने हिसाब से वो बैस को ना एकदम बैलेंस कर दे रहा है, और उस हिसाब से उसके चलते जो वोकल से बहुत अच्छे तरीके से सुनने को मिल रहा है, नहीं तो ख़राब लगता। लेकिन भाई बहुत सही लगा, मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई इस प्रोडक्ट में, ये प्रोडक्ट को देख के। वैसे जेब्रोनिक का सारा प्रोडक्ट मेरे को अच्छा ही लगता है, लेकिन ये प्रोडक्ट मैं जब स्क्रॉल कर रहा था ना फ्लिपकार्ट में पहले नहीं दिखता था, लेकिन आज कुछ दिन पहले मैं देखा तो मैं तुरंत ऑर्डर कर दिया भाई, और आया तो बहुत सही अच्छा प्रोडक्ट निकल के आया ये। तो अब सीधा गाइस इसको मैं टीवी में लगा के देखता हूँ, थोड़ा डायलॉग वगैरह भी चेक कर लेते हैं। चलो उससे पहले थोड़ा गाइस ऑक्स भी ट्राई करके देख लेते हैं। चलो गाइज ऑक्स में तो और ज़्यादा क्लियर सुनाई दे रहा, ऑक्स बहुत अच्छा, और एक बार में कनेक्ट हो गया गाइज। मैं पिछले बार एक बार जो होम थिएटर में मंगाया था ना उसमें वो दिक्कत हो रहा था कनेक्टिविटी में, लेकिन इसमें तुरंत कनेक्ट हो गया, ठीक है भाई। अब चलो टीवी में भी लगा के देखते हैं कैसा डायलॉग दे रहा, कैसा आवाज़ सब, बहुत तगड़ा आवाज़ है भाई, खतरनाक आवाज़ें निकल के आ रही है इसमें तो। तो गाइज ये जो दिख रहा है ना आपको ये पूरा प्लाई का बना है ये वाला, और ये थोड़ा सा प्लास्टिक यूज़ किया गया है, और ये जो है ये मेटल का बना है, और इसी के चलते इसमें बहुत तगड़ा साउंड क्वालिटी निकल के आ रहा है। ये बहुत यूनिक डिज़ाइन है गाइज, बहुत सही लग रहा है देखने में भी। तो अब चलो बजा के देखते हैं, बजा के डायलॉग सुन के देखते हैं। आप एक दशन दस राघव पर भारी है, तो गाइस सारा कुछ चेक करके मैंने देख लिया, और भाई बहुत ही तगड़ा होम थिएटर है गाइस, ये बहुत सही लगा मेरे को। साउंड क्वालिटी तो एक नंबर है, मैं अगर रेटिंग दूँ तो 5 में से 4 दूंगा। एकदम सराउंड इफेक्ट दे रहा है, ठीक है, ऐसा लग रहा है सिनेमा हॉल में बैठे हैं, पूरा एकदम मैं फील किया वो, ठीक है। जो 3D साउंड भी सुना है, सुनने को मिल रहा है, इधर लेफ्ट से राइट हो रहा है, ये राइट से लेफ्ट हो रहा है, ये भी पूरा पता चल जा रहा है, ठीक है। और बिल्ड क्वालिटी भी बहुत सही है, बहुत ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है प्राइस के हिसाब से, तो हाँ ये वैल्यू फॉर मनी है, आप ले सकते हो। कनेक्टिविटी भी बहुत तुरंत हो जा रहा है, ऐसा नहीं ऐसे ऑन करते साथ, पहला बात ऑन करने से साथ ये ऑक्स में ही रह रहा है, और आप टीवी में अगर टीवी में लगाना चाहते तो ऑक्स तो
इम्पोर्टेंट। ऑक्स में और अच्छा बेहतरीन आवाज़ निकल के आ रहा है ब्लूटूथ से। ब्लूटूथ भी अगर मोबाइल वोबाइल कनेक्ट करोगे तो उसमें भी बहुत सही लग रहा है, ऐसा नहीं कि थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता चल रहा मेरे को, लेकिन फिर भी ऑक्स में थोड़ा ज़्यादा बेटर मेरे को क्लियर और कुछ ऐसा सुनने को मिल रहा है। ठीक है, वायर भी बहुत लंबा मिला है, आप कहीं पे भी रख सकते हो, इतना दूर है कि आप रख के एक सराउंड इफेक्ट ले सकते हो। बाकी मेरे को इसका जो डिज़ाइन है ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ठीक है, और एक तो मैं सोचा था सिल्वर आएगा लेकिन ब्लैक आ गया, लेकिन कोई बात नहीं, काम तो एक ही कर रहा है। स्पीकर है गाइस, ये वॉल माउंट के लिए नहीं दिया गया है पीछे, बस आप ऐसे स्टैंड करके रख सकते हो। आप जुगाड़ लगाओगे तो ये दीवार में भी कहीं पे भी रह सकता है। ठीक है, तो मैं जुगाड़ लगाऊंगा और आसपास दीवार में कहीं पे भी लगा दूंगा, क्योंकि साइड थोड़ा दूर रहेगा ना तो और ज़्यादा साउंड मतलब सराउंड फील होगा। ठीक है, पूरा मैं तो ट्रेलर वगैरह चलाया ना तो ऐसा फील हो रहा था कि सिनेमा हॉल में बैठा हूँ, और बहुत ही मतलब मैं ज़्यादा बहुत ज़्यादा खुश हो गया ये प्रोडक्ट लेके। प्राइस के हिसाब से देखूँ तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट मेरे को मिला है। और गाइस ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं अपने आप अपने पैसे से खरीदा हूँ फ्लिपकार्ट में। ठीक है, और उसी का मैं रिव्यू कर रहा हूँ बहुत दिन से। मैं ब्लॉग करता हूँ गाइस, ब्लॉग करते करते अचानक से मन हुआ कि चलो एक अनबॉक्स वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये प्रोडक्ट को ऑर्डर किया, और पहला मेरे को इसका लुक बहुत सही लगा, इसीलिए मैं सोचा लुक देखा और इसका जितना भी स्पेसिफिकेशन है सब देख के मैं ऑर्डर कर दिया। और इसमें एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगा कि इसका जो ऑक्स है ना, ऑक्स तुरंत कनेक्ट हो जा रहा है। बाकी होम थिएटर में ऐसा होता नहीं है, जब कब कनेक्ट करोगे ना तो बहुत दिक्कत होता है कनेक्टिविटी में, अच्छे से फ़ोन में लगता नहीं है, ये नहीं हुआ, बहुत कुछ दिक्कत होता है थोड़ा वो एडजस्ट करके, आप कितना बार एडजस्ट करके यूज़ करोगे तो वही है, ये तुरंत हो जा रहा है कनेक्ट। और गाइज देखो कितना मस्त क्वालिटी, ऐसा मतलब थोड़ा सिल्वर टाइप का ये था, मैं ये देख के मैं ऑर्डर किया और आया तो पूरा ब्लैक। और मेरे को लग रहा है जब फोटो वोटो खींचा होगा तो ऐसे फ्लैश लाइट के चलते वाइट हो गया होगा। जो भी है बहुत सही क्वालिटी का मिला है मेरे को, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और अगर आप ये प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूँगा। कोई ऐसा अभी तक कोई डिफेक्ट कुछ मिला नहीं, अब पूरा एक हफ्ता मैं इसको यूज़ करूँगा, फिर उसके बाद और एक तो मैं रिव्यू वाला वीडियो निकालूंगा, पहले तो ये एक बार देख लेते हैं। और हाँ, अब होम थिएटर में यहाँ पे एक सर्किट रहता है वो जो हीट होता ही रहता है। ठीक है, वो हीट होगा, यूज़ करते करते हीट होगा, तो इसमें भी थोड़ा बहुत हीट हो रहा है, लेकिन मैं जो पहले दो होम थिएटर लाया था ना वो तुरंत हीट हो जा रहा था। ऑन मैं गाना बजाऊँ तब हीट हो कुछ अलग बात है, लेकिन ऑन होते साथ एकदम जैसे हीट हो जाए पूरा, और उस चक्कर में पूरा ये भी इसका जो कैबिनेट है ये भी हीट हो जाता था। उसको रिटर्न करके मैं कुछ दिन वेट किया और ये अच्छे से निकाला नेट से और ऑर्डर किया हूँ। तो खैर गाइस यही था रिव्यू इसका, और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब मार देना, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।